हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पानी पूरी का पानी बनाने की रेसिपी, जो बहुत इजी एंड सिंपल है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने धनिया पत्ती यानी कि कोरिएंडर लीव्स ले लिए है हाफ कप, और मिंट लीव्स हाफ कप ले लिए है, दोनों सेम क्वांटिटी में ले लिए है। दो हरी मिर्ची ले ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ दो ऐड की है। और अदरक एक इंच टुकड़ा अदरक मैंने ले लिया है, एक टेबलस्पून जितनी इमली ले ली है, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसकी चटनी जैसे बना लूँगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 लीटर पानी। तो पानी आप ठंडा यूज़ कर सकते हो या फिर इसे बाद में फ्रीज में रख सकते हो। नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 2 टीस्पून में चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो ये सारे मसाले ज़रूर ऐड कीजिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसके अंदर काला नमक ज़रूर ऐड करना 1/2 टीस्पून, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, वरना मैं ऐड करती हूँ। अब मैं इसको छान लूँगी, एक छलनी की हेल्प से इसे छान लीजिए ताकि इसमें जो रेशे हो वो निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर इमली यूज़ की है, अगर आप इमली नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक नींबू का रस ऐड कर सकते हो। आप इस पानी को फ्रीज में 2-3 दिन तक रख सकते हो, और फ्रीज़र में आप इसे आराम से स्टोर करके 1 महीने के लिए भी रख सकते हो। तो ये मैंने छान लिया, एक्चुअली ये बाउल थोड़ा छोटा हो गया है इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दूँगी, जैसे हम मार्केट में खाते हैं वैसे ही बिल्कुल पानी रेडी होगा हमारा। तो मैंने थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी और इसे फ्रीज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो अब मैं मीठा पानी बना रही हूँ। तो मीठा पानी बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून आमचूर की चटनी ले ली है, और इसके अंदर 1/2 कप गुनगुना पानी ऐड किया है। आप खजूर इमली की चटनी भी ले सकते हो, इसके साथ भी सेम प्रोसेस से बना सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दिया और मेरा मीठा पानी भी रेडी है। तो तीखा पानी मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, वो ठंडा ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हो। तो बस ये मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये पानी पूरी की पूरी मैंने आपको दही पूरी वाले रेसिपी में जो बताई थी वही पूरी है, जो कच्ची मार्केट में मिलती है, मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और ये रगरा की रेसिपी भी मैंने आपको बताई है, आमचूर की चटनी की भी रेसिपी बताई है, खजूर इमली की चटनी की भी रेसिपी बताई है। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक ज़रूर कर लेना। तो बस बहुत ही यम्मी बना था ये पानी, तीखा पानी बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना। और आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो और उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये पानी पूरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक्चुअली ये पानी पूरी की रेसिपी नहीं है, सिर्फ पानी की रेसिपी बताई है मैंने आप लोगों को। तो आई होप आपको वो रेसिपी अच्छी लगी होगी, दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।